हाय किड्स, बच्चों आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हमको इनफ्लोरेसेंस, यस, कंपाउंड रेसिम इनफ्लोरेसेंस, रेसिम ऑफ रेसिम्स बोलते हैं इसको। चलो देखते हैं। ये छोटू सा प्यारा सा आम का पौधा दिख रहा है, हाँ, बहुत सारे फूल के गुच्छे लगे हैं इसमें एंड हर फूल के गुच्छे को बेटा इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है एक गुच्छा, ये क्या है? इनफ्लोरेसेंस है ना, ठीक है। और ये पता क्या है? रेसिम ऑफ रेसिम्स। इसमें क्या है? बीच में देखो, ये मेन एक्सिस है, ठीक है। फिर इसमें अलग अलग ब्रांचेस निकले हैं, दिख रहे हैं हमें, ये ब्रांच इधर, ब्रांच नीचे, ब्रांच, है ना। और इन ब्रांचेस में फ्लावर्स लगे हैं, मतलब एक मेन एक्सिस, फिर वो ब्रांच्ड एक्सिस है और उन ब्रांचेस में फ्लावर्स लगे हैं। आम के फूल को ध्यान से देखोगे, अच्छा एक चीज़ देखो, नीचे में एक फूल में, नीचे में जो फूल है उसमें चींटी घूम रही है। तुम्हें पता है चींटियाँ भी पॉलिनेशन करती हैं? यस, पॉलिनेशन पे एक वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन यहाँ बहुत प्यारी सी चींटी दिखी ना, तो मैंने सोचा बता दूं मैं तुम लोग को। चलो आम के फूल को बड़ा करके देखते हैं। तुम्हें दिख रहा है बेटा ये प्यारा सा फूल बड़ा किया हुआ है जो, यस, इसमें सुंदर सुंदर ब्राउन भी नहीं बोलेंगे, ऑरेंज ब्राउन टाइप का और वाइट कलर के पेटल्स। और ये जो बीच में दिख रहा है गोल गोल प्यारा सा बटन जैसा, वो ओवरी है इस फूल में, है ना। और उसके ऊपर डंडी निकली है स्टाइल, यस, ये डंडी है ना, ये स्टाइल है। और ग्रीन कलर का इसमें ऊपर में तुम्हें ना स्टिग्मा दिख रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये तो हो गया ना हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस फूल का। और जो पता है ये जो गोला है ना, उसके जस्ट बगल में एक और डंडी निकली है छोटी सी, ये क्या है? ये स्टैमेन है, यस, जानते हो इनके अंदर पर्पल पर्पल दिखते हैं। यहाँ देखो ये पर्पल सा जो दिख रहा है ना, बिंदी ब्लैकिश पर्पल टाइप की, ये एंथर है जिसमें बनते हैं पॉलन ग्रेन। ये सुंदर सा रेसिम ऑफ रेसिम यानी कंपाउंड रेसिम इनफ्लोरेसेंस, बीच में मेन एक्सिस, साइड में ब्रांचेस और उनमें लगे हैं बहुत सारे फ्लावर्स। और ये फ्लावर्स हैं ना, इनमें डंडियाँ हैं, डंडी वाले फ्लावर हैं, सेसाइल फ्लावर्स नहीं है, ये देखो डंडी वाले फूल हैं। देखो फूल सुंदर सुंदर, यस, देख लिया जो जहाँ तुम्हें पर्पल पर्पल छोटी छोटी बिंदियाँ दिखे ना, वो सब एंथर्स हैं, बहुत सुंदर लगता है। पैनिकल इनफ्लोरेसेंस यानी कि रेसिम ऑफ रेसिम्स, ठीक है। जैसे ये देखो, ये तुम्हें बीच में एक डंडी दिख रही है, ठीक है, ये मेन एक्सिस, ठीक है, और इसमें बहुत सारे साइड में लगे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैनिकल या रेसिम ऑफ रेसिम्स, ठीक है। इसको मैं डिटेल में क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसको भी हम जूम करके इसके फ्लावर के पार्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिखता है मस्त खूबसूरत, ठीक है। चलो 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 चलो, यहाँ पे तुम्हें ना ये देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें बहुत सुंदर सा दिख रहा है, देखो पेटल्स दिख रहे हैं, ठीक है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, गोल गोल ओवरी दिख रही है। और जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना बेटा, वो एंथर है, वो क्या है बेटा? एंथर, ठीक है। देखो स्टैमेन और स्टिल दोनों एक पास में, ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल फूल है और बहुत सुंदर सा तुम्हें दिख रहा है, ओवरी ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रही है, एक दिन ये फल बन जाएगी, ठीक है। तो देखो ये दूसरा पेड़ था आम का, ठीक है, इसमें ग्रीनिश ग्रीनिश मैंगोज बनने चालू हो चुके हैं। यहाँ पे कई में देखो बेटा, कुछ सुंदर सुंदर पिस्टल्स दिख रहे हैं, है ना, कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं और फ्रूट बनना भी चालू हो चुका है, ठीक है, छोटे छोटे मैंगो, छोटू छोटू, ठीक है, यहाँ चालू हो चुका है, ठीक है, एक दिन बड़ा हो जाएगा और हम खा जाएंगे, ठीक है। चलो बाय।